वो कि पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में इससे पहले बहुत से खान आए जिन्होंने खूब नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई, मुल्क को कौम का भी नाम रोशन किया, पाकिस्तान को भी इज़्ज़त दी, मगर साजिद खान ने उन सबको बीट कर दिया, उन सबको क्रॉस कर दिया, उन्होंने ऐसा रिकार्ड बनाया कि सब इससे पहले खान बरदरान को पीछे छोड़ दिया। हत्ता कि कितने साल पुराना इमरान खान का रिकार्ड जो था उसको भी उन्हें बॉलिंग का रिकार्ड उनको उस रिकार्ड को भी साजिद खान ने अपनी अच्छी उम्दा बॉलिंग करके बीट कर दिया और क्रॉस कर दिया। क्या ना बजा ना होगा कि साजिद खान सब खान पर बाजी ले गए है और बड़े अरसे बाद ऐसा खान भाई हमारे सामने आया, सब पे बाजी ले गया और सबको पीछे छोड़ दिया। हमारा रहीम आदाबार क्रिकेट की नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमीद है कि इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करेंगे और अपने अच्छे से कमेंट से नवाजेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 से 8 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश के तौर पर थी तो एक टेस्ट मैच खेला गया जो सेकंड टेस्ट मैच था उस टूर का। पाकिस्तान ने पहले 300 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर इंग्लैंड अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी जिसमें बाबर खान, अजहर और रिजवान की 50 शामिल थी। देश ने भी पहली इनिंग का आगाज़ किया तो ये आपके सामने ऑफ स्पिनर साजिद खान ने बांग्लादेश के बैट्समैन को सुख का सांस नहीं लेने दिया, उनको विकेट पर ठहरने तक का मौका नहीं दिया, ना ही उनको सुकून के साथ खेलने दिया। उनकी जादूगराना ऑफ स्पिन बॉलिंग ने बंगाली को इतना परेशान किया कि उनकी विकटें खिजान सीधा पत्तों के साथ झड़ने लगी और करते करते पूरी टीम जस्ट 87 रन पे आउट होगी टेस्ट मैच में। यानी कि पहली इनिंग में वो 87 रन पे पूरी टीम बांग्लादेश की आउट होगी। साजिद खान ने अपने फर्स्ट क्लास मैच का आगाज़ अक्टूबर 2016 में पेशावर में वापटा की और पेशावर की टीम के दौरान खेले गए मैच से किया। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, आपके सामने आप उनको देख रहे हैं। टेस्ट का आगाज उन्होंने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। अब तक वो सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस में 22 विकेटें हासिल कर चुके हैं जिसमें जो टेस्ट मैच हम आपको दिखा रहे हैं इनकी जादूगराना बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त रही कि बांग्लादेश को उन्होंने 87 पे आउट किया और सिर्फ 42 रन देकर 8 विकेटें हासिल की। उसके बाद बांग्लादेश को फॉलो ऑन आना पड़ा तो दूसरी इनिंग में भी साजिद खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को कुछ फिर भी सुकून के साथ खेले नहीं दिया, वो डर डर के खेलते रहे। ओके, दूसरी इनिंग में बांग्लादेश के प्लेयर्स ने 205 रन बना लिए लेकिन फिर भी वो एक इनिंग और 8 रन से ही टेस्ट मैच हार गए और साजिद खान ने दूसरी इनिंग में भी बांग्लादेश के 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और यूं टेस्ट मैच में 12 विकेटें लेकर एक मुनफरद रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग बांग्लादेश के प्लेयर्स को बिल्कुल समझने में बांग्लादेश के प्लेयर्स बॉलिंग को बिल्कुल समझने में नाकाम साबित हुए और वो विकेट पर ठहर नहीं सके और ना ही साजिद खान ने उनको विकेट पर ठहरने दिया। अगर उन्होंने ठहरने की कोशिश भी की तो वो इस कोशिश ही में अपनी विकेट गंवाते चले गए और यूं पाकिस्तान एक इनिंग और 8 रन से टेस्ट मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीत गया और जिसमें साजिद खान की 12 विकेटें हैं। इससे पहले बाबर आजम ने सिर्फ 300 रन पे पाकिस्तान की पहली इनिंग डिक्लेयर करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। मुबसरीन क्रिकेट के राय ये थी कि इतने कम स्कोर पे बाबर आजम ने इनिंग डिक्लेयर की और टेस्ट मैच में, क्योंकि टेस्ट मैच में 300 फिगर को इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि आजकल तो T20 में और वनडे मैचेस में खासकर 400 के करीब रन बनते हैं और टेस्ट मैच की पहली इनिंग 300 रन पे डिक्लेयर कर देना हकीकत में एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर बाबर आजम को अल्लाह पाक ने फतह देनी थी और उनको इज्जत बढ़ानी थी,
और साजिद खान की शक्ल में उनके पास एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर मौजूद था जिसने बांग्लादेश की विकेटों को पल भर में ढेर कर दिया और फतह अपने नाम कर ली। इससे पहले पाकिस्तान की टीम में बहुत से ऑफ स्पिनर लग ब्रेक बॉलर आए, लेकिन क्या बात है साजिद खान की बॉलिंग की। साजिद खान ने उन सब सबका प्लेयर्स को भी हैरान कर दिया और ये बड़े अरसे बाद किसी भी टेस्ट प्लेयर की पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान कौमी टीम की तरफ से टेस्ट मैच इतनी बेहतरीन यानी कि बॉलिंग हुई जो साजिद खान ने की बांग्लादेश के खिलाफ। इमरान खान का सबसे बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस सिर्फ 58 रन थी, 8 विकेटें उन्होंने जब इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ हासिल की, लेकिन साजिद खान ने सिर्फ 42 रन के एवर्स 8 विकेटें हासिल करके अपनी बॉलिंग एनालिसिस और अपने बॉलिंग परफार्मेंस इमरान खान से भी बेहतर कर ली। मेरा आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों का अजीज़ कार का सब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।